नमस्कार साथियों, मैं ललिता बाबल मकराना। डिजिटल बाल मेले के कार्यक्रम में भी बाल सरपंच के तहत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अपने विचार रख रही हूँ। साथियों, सरकार के 3 स्तर होते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत की सबसे बड़ी सरकार केंद्र सरकार है, जिसमें प्रधानमंत्री व अन्य केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसी प्रकार राज्यों में भी जो सरकार होती है उसे राज्य सरकार कहते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री होते हैं। साथियों, सरकार का 3रा स्तर स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय सरकार के 2 भाग होते हैं, पहला ग्रामीण क्षेत्र की सरकार, दूसरा नगरीय क्षेत्र की सरकार। इस ग्रामीण क्षेत्र की सरकार को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। गाँवों में रहने वाले लोगों की जो क्षेत्रीय समस्याएँ होती है उसको हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए गांवों के लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए, जिससे समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हमारे नागौर ज़िले से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। पहला जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। दूसरा स्तर 10-20 गांवों के समूह का होता है, जिसे पंचायत समिति कहते हैं। और तीसरा स्तर गांवों में ग्राम पंचायत होती है। इस स्तर की सरकार का निर्माण ग्रामीण लोग वोट देकर सरपंच, उप सरपंच और वार्डपंच के रूप में करते हैं। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और प्रत्येक गांव में अलग अलग वार्ड होते हैं। इन वार्डों में गांवों के लोग मताधिकार का पालन करके वार्डपंच का चुनाव करते हैं। धन्यवाद।